दोस्तों सुहाग 1979 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा से भरपूर एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है निरूपा रॉय से, जो दुर्गा का किरदार निभा रही है। वो दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक होता है शशि कपूर, दूसरा अमिताभ बच्चन, जो क्रमशः किशन कपूर और अमित कपूर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में दुर्गा अमजद खान, जो विक्रम कपूर का किरदार निभा रहे हैं, की बीवी होती है। वो एक क्रिमिनल होता है और बाद में वो दुर्गा को छोड़ देता है। उनमें से एक बच्चे को जग्गी, जिसका किरदार कादर खान निभा रहे हैं, चुरा लेता है, जो अमजद खान का प्रतिद्वंदी गैंगस्टर होता है। अब दोस्तों दुर्गा के पास एक बच्चा रह जाता है, जो होता है शशि कपूर। दुर्गा अपने दूसरे बच्चे अमित मतलब अमिताभ बच्चन को ढूंढने के लिए बदर दर भटकती है, बट उसे कहीं नहीं मिलता और अंत में वो हार मान लेती है। दोस्तों अमित जो चुराया हुआ बच्चा था, उसे कादर खान एक चोर विक्रेता को बेच देता है, जो उसका शोषण करता है, उसे गलत गलत काम करवाता है, और अमित आगे जाकर एक शराबी और छोटा क्रिमिनल बन जाता है। किशन, जो दुर्गा के पास बचा हुआ बच्चा था, उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करती है और पढ़ाती है, लिखाती है और उसका पालन पोषण करती है, और किशन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनता है। अब दोस्तों आगे बताया गया है कि अमजद खान किशन से परेशान होकर उसको मारने के लिए अमित कपूर को मतलब जो अमिताभ बच्चन होते हैं को उसकी सुपारी देते हैं। अभी तक दोनों भाइयों को निरूपा रॉय और अमजद खान को पता नहीं होता दोस्तों कि उनके बेटे हैं वो दोनों भाई। दोस्तों फिल्म के एंडिंग में जाकर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को पता लगता है कि वो दोनों आपस में भाई हैं। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा, प्रवीण बाबी, अमजद खान, कादर खान, रंजीत, जीवन और निरूपा रॉय थे। तो दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें काम करने वाले कास्ट की 1979 में एज क्या थी, अब उनकी एज क्या है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, और कुछ किरदार हमें छोड़ के भी जा चुके हैं मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को।